आज 28 मार्च है और आज कहीं ना कहीं होली का पवित्र त्यौहार है, लेकिन बड़े ही अलग तरीके से शिव सैनिकों द्वारा मैं ये कहूँगा कि होली मनाया जा रहा है। और इसकी विशेषता ये है कि होली मनाते हुए जर्म्स को, वायरस को कैसे ख़त्म करना है, इस पे काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे विक्रम प्रताप सिंह जी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल अब तब भाई, आज के ही दिन जो है, ठीक एक साल पहले जो है, आज पहला कोरोना का पेशेंट मिला था हमारे मीरा भाईंदर शहर में। ये कहीं ना कहीं हम लोगों का दुर्भाग्य विषय कि एक साल में अभी कोरोना हमारे दुनिया से गया नहीं जो है, या हमारे शहर या हमारे देश प्रदेश से गया नहीं जो है, तो इसको हम बैड लक कहेंगे जो है। लेकिन कुदरत का ये कहर है, तो कहीं ना कहीं हम सबको लड़ना है और बड़े शिद्दत के साथ जो है पूरी एक साल में जो है हमारे लोक लाडले, हमारे आमदार जो विधायक प्रताप सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में हम सब पूरे एक साल से लगातार 365 दिन आज हो गए हम लोग लड़ रहे, जितना भी लोगों का मदद हो सकता है और लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है जो है। तो कहीं ना कहीं आज ये कॉन्सेप्ट है कि होली का त्यौहार हम लोग जो है पिछली बार भी नहीं मनाए, इस बार भी नहीं मनाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो रंगों में जो है आज सैनिटाइज का जो हमने जो वायरस मारने का जो है ये हमने एक मशीन जो है सरनाईक साहब के आशीर्वाद से उनके गाइडलाइन में जो है हम लोगों ने यहाँ बनाया है, जो कि आज पूरे कनकिया परिसर में जो है एडन रोज सोसाइटी, तमाम सोसाइटी में जो है ओसवाल परिसर हो गया, आज अभी फिर जांगिड में हम लोग आए जो है यहाँ पे, इसमें जो है कोरोना स्टोन स्टेन जो है, जो नया वायरस आया है उसको भी मारने का इसमें जो है केमिकल डाला हुआ है। उसके बाद प्लेग, प्लेटो और मलेरिया, डेंगू के जो ये अपना लार्वा आते हैं, तो ये 48 आवर्स तक जो है इसके असर रहेंगे, जहाँ भी ये पड़ेगा जो है इसका छिड़काव जहाँ होगा तो ये 48 आवर्स तक जो एक्टिव रहेगा और ऐसे जो है लार्वा को वो मार देगा जो है। तो इस तरीके का जो है छिड़काव यहाँ पे हो रहा है, तो हम लोगों का पूरा ट्राई है कि पहले ये पूरा जो है ये पट्टा, कनकिया पट्टा पूरा हम लोग छिड़काव करेंगे, फिर इससे अगर आगे बढ़ के जो है हम दूसरे एरिया में जाएंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है लोगों को जो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। शिवसेना के हमारे तमाम पदाधिकारी, देखिए राजू भाई यहाँ पे आए हुए हैं, कपिल परमार जी है, मनीष सिंह जी है, इमरान भाई है, शिवा सिंह, पिंटू सिंह, डॉक्टर साहब है, हमजद चाचा जी है, तमाम लोगों का, बहुत ही संदीप तिवारी जी है, तमाम लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और लोग जो है इसको बहुत सराहना कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने अपील की थी कि जो त्यौहार है वो सादगी से मनाया जाए, तो देखिए शिव सैनिकों ने क्या किया, सरकार की बातों को मानते हुए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। जैसे आपको याद होगा, जब कोरोना शुरुआत हुआ था तो हर सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा था, आज नया कोरोना स्ट्रेन भी आ गया है, तो कुछ उन्होंने इस तरह का एक पूरी गाड़ी तैयार की है, जिसका विजुअल आप देख सकते हो कि ये किस तरह से काम करता है। ये पूरी सोसाइटी में जा करके चारों तरफ जहाँ जहाँ से ये गाड़ी गुजरेगी वहाँ वहाँ इसका छिड़काव करते हुए जाएगी, जिसका असर 48 आवर्स तक रहेगा और अगर उसमें कोई भी जर्म्स है, कोई भी वायरस है, कोई भी ये है, तो वो कहीं ना कहीं मार देगा। इससे अच्छा समाज की सेवा करते हुए होली मनाना बहुत ही नायाब, बहुत ही अलग तरीके का है। हमारे साथ हैं राजू बोयर जी, क्या कहेंगे सर, इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, लोगों को ये देख के भी अच्छा लगेगा कि समाज के लिए आप होली ना खेलते हुए एक अलग तरह की होली खेल रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी दूर होगी, लोगों को वायरस से निजात मिलेगा। पहले तो मैं मीरा भाईंदर शहरवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो निर्देश है, महाराष्ट्र शासन के जो निर्देश है, उसके अनुसार ही होली मनाएं। और आपको, सब लोगों को पता है कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने भी शिवसेना के माध्यम से, आमदार प्रताप सरनाईक साहब के सहयोग से, राजन विचारी साहब के सहयोग से, पूरे साल भर हम लोग कोरोना के लिए लड़ रहे हैं और हम लोगों ने शुरू से सैनिटाइज काम हर सोसाइटी में किया है, लेकिन अभी ये फिर से नया जो कोरोना का ये बढ़ रहा है, इसलिए हमारे विक्रम भाई और उनके सारे हम लोगों ने साथ में ये जो नया गाड़ी बनाया है वो जो सिर्फ ये दवा छिड़काने का काम करेगी और जिधर जिधर भी जहाँ जहाँ भी सोसाइटियों में लगेगी वहाँ पर ये हम लोग पूरे मीरा भाईंदर शहर में ये सेवा का काम करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। क्या क्या कहेंगे आप, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? ये हमारे जो लोकप्रिय आमदार हैं माननीय श्री प्रताप सरनाईक साहब, विक्रम भैया और राजू भोयर जी जो हैं, उनके नज़रिए को देखते हुए जिस तरह से कोरोना स्ट्रेन अपने मीरा भाईंदर में डेली 150 से 200 केसेस आ रहे हैं, एक जनता से एक अपील भी की गई कि कोविड को ध्यान में रखते हुए होली को मनाया जाए और उस चीज़ को गौर में रखते हुए इस मशीन को हम पूरे मीरा भाईंदर विधानसभा में घुमाने वाले हैं और
जैसे प्लेग, लेप्टोस्पायरा, डेंगू, मलेरिया और स्टेन, ऐसी जो भयंकर बीमारियां हैं जो समाज को हमेशा घेरे रहती हैं, इससे कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और डॉक्टर वेरी गुड, मयंक जी खुद डॉक्टर है और ये पूरे एक साल तक जो है कोविड पेशेंटों का उन्होंने सेवा किया और हमारे छोटे भाई भी है और कार्यकर्ता भी है, सेना क्या खुद भी डॉक्टर है। कोरोना योद्धा में से आप एक हैं और आप डॉक्टर्स ने जो योगदान दिया है कोरोना काल में उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमजा जी कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जो है, और ये इतनी खुशी की बात है जो है कि उसकी कोई तारीफ ही नहीं कर सकते हम। इतनी खुशी है हम जो है हमारे बीच में आए और हमारे सोसाइटी के अंदर इतना बेहतरीन काम हो रहा है जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है, और हम पूरे सोसाइटी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम इनके साथ पूरा ताउन करेंगे और जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह जो है। क्या बात है, क्या कहेंगे सर? शिवसेना के आला कमान द्वारा जो ये फैसला लिया गया है ये वास्तव में काबिले तारीफ है, और अगर हर आदमी के मन में ऐसी सोच आएगी तो शायद कोरोना तो क्या कोरोना से भयंकर बीमारी से भी हम निपट सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैसला है, बस यही। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। मनीष जी क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट प्रताप सरनाइक साहब के आदेश के द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट यहाँ किया गया है। काफ़ी सोसाइटीज़ में अभी हम करके आए और सोसाइटीज़ के लोगों को काफ़ी अच्छा ये लगा है और उन्होंने ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें करने के लिए प्रताप जी को मैसेज, विक्रम जी को बोला है कि पहुँचाएँ, तो प्रताप जी ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाने की ये करेंगे। और हमें यही ताकत, शिवसेना की जो ताकत है और जो ये वर्क है, हम सेवा जो राजकरण है वो बिल्कुल नहीं, हमारा तो समाजकरण ही काम है और वही करेंगे हम। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हमने सोचा भी नहीं था कि होली में ये लोग ऐसा कुछ कर डालेंगे, और ये विक्रम प्रताप सिंह जी हैं, राजू वोयर जी हैं, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं। और ऑफ कोर्स इन्होंने जैसा कहा कि प्रताप सरनायक जी के नेतृत्व में वो ये सब कुछ करते हैं, और आज समझिए कि होली खेलना तो अलग बात है लेकिन होली खेलने से, आज मैं एक और बात बताऊं, मैं जब निकला था तो मीरा भाईंदर के लोग इस चीज़ को, इस अपील को फॉलो भी कर रहे हैं। कोई भी मुझे ऐसे लोग नहीं दिखे जो रंग खेलते हुए, गुलाल खेलते हुए, ऐसे नहीं दिखे, लोग फॉलो भी कर रहे हैं। उसमें ऐसे लोग जो समाज सेवा करते हैं, यानी कि इनका इनका मकसद क्या हो गया कि सैनिटाइजर कर दे पूरे मीरा भाईंदर को, ताकि अगर कोरोना आने की हिम्मत भी करे तो भी वो ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत अच्छा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका को भी मैं कहूँगा कि ऐसे जो आपके मीरा भाईंदर में आप जैसे लोग हैं तो कोरोना को कहीं जगह नहीं मिलेगा और ये बिल्कुल भागेगा। और मैं फिर से कहता हूं कि आपने जिस तरह का काम किया है वो मैं सिटी हेडलाइंस न्यूज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच।